नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। बरेली विकास प्राधिकरण एक बार फिर से नए प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहा है, जो अलग अलग सेक्टर्स में होंगे, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था और जिन लोगों का प्लॉट्स नहीं निकले थे, वो इसमें ज़रूर ट्राई करें एक बार। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेक्टर्स बता दूँ आपको मैं, सेक्टर 3, सेक्टर 6, सेक्टर 8, 9 एंड सेक्टर 10। इन सेक्टर्स में अलग अलग एरियाज के प्लॉट्स निकाले गए हैं। ये सारे ही सेक्टर्स जो हैं, ये हैं नॉन गेटेड, यानी कि इसका जो प्राइस रहेगा 33,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का प्राइस रहेगा। चलिए किस सेक्टर्स में कौन कौन से प्लॉट्स निकाले गए हैं ये आप लोगों को बता दूं मैं। रामगंगा नगर बरेली प्रोजेक्ट का नाम हो गया, प्रमोटेड बाय बरेली विकास प्राधिकरण, जो नए उन लोगों के लिए बता दो। और इसमें जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, सेक्टर 6 में, सेक्टर 8 एंड सेक्टर 3, ये जो तीन सेक्टर्स हैं 6, 8 और 10, इसमें 200 मीटर के प्लॉट्स, नंबर ऑफ प्लॉट जो होंगे वो 63 हैं। ऐसे ही आप देखेंगे 288 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स होंगे सेक्टर 3, 6 और सेक्टर 10। ठीक है, ये हो जाएगा बेसिकली कि नंबर ऑफ प्लॉट्स और कौन कौन से सेक्टर्स हैं। 392 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर, ये बड़े वाले प्लॉट्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा था कि स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं मिलता है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब इसके आगे मैं बता दूं आपको, जो 112 मीटर, 128 मीटर और 162 स्क्वायर मीटर के भी प्लॉट्स हैं इसमें, ये सारे जो होंगे सेक्टर 6 में होंगे। आप देख सकते हैं सेक्टर 6 इसमें दिख रहा है, कॉमन दिखेगा आपको हर जगह, 6 इसमें नहीं है, इसमें मिलेगा आपको और इसमें मिलेगा। तो जो भी है अभी सेक्टर 6 है मेजरली। इसके बाद आप लोग बता दो, कीमत 33,000 रुपये स्क्वायर मीटर का है एंड ये प्राइसिंग हो जाएगा कॉलम, और ये हो गया आपका अलॉटमेंट, रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो जाएगा और ये अलॉटमेंट हो जाएगा, तो इतना अमाउंट आप लोगों को देना होता है, ठीक है। और ये है सेक्टर रामगंगा आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना का है। मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं आपको मैं, जहां रामगंगा आवासीय योजना लिखा है, आप इसको ये समझे कि ये है पीलीभीत रोड है, ये इसी रोड से, पीलीभीत रोड से एक एंट्री सुरेश शर्मा के अपोजिट जो जा रही है, ये रोड एग्जीक्यूटिव क्लब वाली रोड है जो रामगंगा में एंट्री करती है। और दूसरी ये है मेन डोरा रोड, सब इसी को पहचानते हैं, ये डोरा रोड है जो आगे जाके बड़ा बाईपास से मिल जाती है ये वाले एरिया में, ठीक है। और ये बीसलपुर रोड हो गया, जो ग्रेटर बरेली होते हुए बड़ा बाईपास में मिलेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप रामगंगा से एंटर करेंगे, ये जो दिख रहा है ये है नकटिया नदी, यहाँ पर ब्रिज जाता है, जैसे ही क्रॉस करेंगे यहाँ पर वेदांता हॉस्पिटल है, और उसके अपोजिट जो सेक्टर है वो है सेक्टर 3। इस सेक्टर में 288 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। फिर आप जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ पर आएगा, और ये बीडी का ऑफिस इसी के सामने वाली रोड पर हो जाता है। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये वाला LIC बिल्डिंग के बगल में जो है, ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है, ये है सेक्टर 6, ठीक है। इसके अपोजिट में सेक्टर 5, ये 24 मीटर की रोड हो जाएगी। सेक्टर 6 से लगा हुआ सेक्टर 10 है, सेक्टर 9 है, ये सेक्टर 9 जो है वो है शिवम इनक्लेव, शिवम इनक्लेव में भी 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, और सेक्टर 10 में जो है वो 200 मीटर 288 मीटर के प्लॉट हैं। और शिवम के अपोजिट में सेक्टर 8 है ये वाला, ये भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इसमें भी 200 मीटर के प्लॉट निकाले गए हैं इस बार। और ये वाला ग्रेटर बरेली हो जाएगा, इसमें ये वाला जो ये दो सेक्टर है, सेक्टर 1B and 2 है, बाकी रेस्ट अभी इसमें प्लॉट्स निकाले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर 6, 10, 9, 8 और एक है सेक्टर 3, ठीक है। ये हो गया सेक्टर, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। इस बार भी बरेली विकास प्राधिकरण ने पंजाब नेशनल बैंक को ऑथोराइज किया है, जो ब्रांच कौन सा होगा, राजेंद्र नगर वाला ब्रांच है। 2 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन उन्होंने प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट जो है bdainfo.org, इसमें आप जाके देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ब्रोशर अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो 2 तारीख को अपलोड कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो 23 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ राजेंद्र नगर ब्रांच से लेना करना है आपको, और ऑनलाइन करने के लिए आप bdainfo.org में जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, बाकी ये डिटेल आप लोगों को प्राधिकरण की वेबसाइट पे मिल जाएगा। 2 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में आप अप्लाई करें इसमें। और ये भी एक चीज़ है जो आप लोगों को मुझे बतानी थी, कि काफ़ी लोग समझते हैं कि प्लॉट के लिए लोन नहीं मिलता है, जो नए हैं उन लोगों को बता दूँ प्लॉट के लिए भी लोन मिलता है, 80% तक लोन मिल जाता है। अगर आप SDFC से लोन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क ज़रूर करें। और इसके साथ साथ 1% का TDS, जो मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में बताया है, बताता हूँ,
कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लिया है 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा यहाँ लिया है या कहीं भी लिया है, तो आपको 1% TDS सरकार को जमा करना होता है 30/9/2024 तक के बाद, जो नए इस बजट में जो आया है 1 अक्टूबर 2024 से। इसके रूल्स भी चेंज होते हैं, ये आप अपने जो टैक्स कंसल्टेंट हैं CA हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भरा है TDS 1% TDS उनको ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि अगर जब वो रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो वहाँ से वापस भी आ सकते हैं बिना रजिस्ट्री किए हुए, अगर उन्होंने 1% का TDS जमा नहीं किया है, क्योंकि ये इनकम सरकार की होती है, रजिस्ट्रार हो सकता है वहाँ से आपको वापस भी कर दे कि पहले आप जमा करें TDS। क्योंकि जब भी आप पेमेंट प्राधिकरण को या बिल्डर करते हैं तो आपको 1% TDS जमा करना पड़ता है हर इंस्टॉलमेंट में। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं या अपने टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर बात कर लें। 1% जमा करना ही करना है आपको। जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया था उनको रिफंड मुझे लगता है जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग इस सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे, तो जो लास्ट रिफंड है वो आप प्राधिकरण से भी कह सकते हैं कि रिफंड कर दें, जिससे आप इस बार आप अप्लाई कर सकें, ठीक है। और सेक्टर 6 का मैप है, ये अभी प्राधिकरण ने वेबसाइट में अपलोड नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो गया है। ये भी रिक्वेस्ट रहेगी प्राधिकरण से कि सेक्टर 6 का जो कंप्लीट मैप है उसको अपलोड कर दें, जिससे जो एप्लीकेंट है वो भी समझ सकें कि उनको किस सेक्टर में किस तरीके का उनका सेक्टर 6 बनता है, ठीक है। अलग अलग वीडियोज़ में बना दूंगा नेक्स्ट कमिंग डेज में कि सेक्टर 6 कैसा है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कुछ पॉइंट्स क्या है। ये न्यूज़ है ग्रेटर बरेली के बारे में है कि ग्रेटर बरेली की 24 एकड़ पर सेंट्रल पार्क बनेगा। इतना बड़ा पार्क है 24 एकड़ का, ये ग्रेटर बरेली का एक अट्रैक्शन हो जाएगा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। 24 एकड़ का पार्क ग्रेटर बरेली के लिए, जो ग्रेटर बरेली में अप्लाई किया है 1B 2A में, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ जो इंटरनल रोड्स होंगे, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इंटरनल जो रोड्स होंगे बड़ा बाईपास से जुड़ेगा ग्रेटर बरेली। बीसलपुर तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट अंदर की रोड मुझे लगता है कि शायद से बड़ा बाईपास से कनेक्ट करेंगे। जो 30 मीटर 45 मीटर की रोड्स हैं वो वहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सेक्टर 3-6 में निकाले गए हैं, और जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कॉस्ट शीट के साथ में। फिलहाल एक जानकारी देनी थी आप सब लोगों को कि प्लॉट्स आए हैं, अपने फंड्स का अरेंजमेंट कर लें, और जो रिफंड है प्राधिकरण से उसके लिए भी आप अप्लाई कर लें। उनसे एक मेल ज़रूर डाल लें, वैसे तो रिफंड ऑटोमेटिकली कर देंगे, बट नहीं आता है तो ज़रूर इसके लिए आप रिफंड के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अभी तक बने हैं तो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।